नमस्कार दोस्तों, कभी कभी मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं या बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इतनी पढ़ाई की है और आप क्या कर रही हैं। तो कभी कभी बड़ा बुरा सा लगता है कि क्या कहते हैं, वाकई मैंने इतनी पढ़ाई की है और मैं कुछ नहीं कर पाई, क्या कर रही हूँ मैं, वही घर का काम, चूल्हा चौखा, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ और इन्हीं कामों में मैं लगी रहती हूँ और जो मेरी पढ़ाई है लगभग वेस्ट सी हो गई है। तो मैं आज आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ, ये मैं बताना चाहती हूँ, मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने बीएड करा है, एमएड करा है और बीए करा, उसके बाद फिर से मैंने कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के थ्रू हिंदी में बीए फिर से करा। मैं पहले इकोनॉमिक्स में एमए थी, उसके बाद मैंने फिर से हिंदी में एमए करा। इसके अलावा मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कर रखी है, इसके अलावा मैंने स्टिचिंग कोर्स कर रखा है, पेंटिंग हो गया, कुकिंग हो गया, ब्यूटिशियन कोर्स हो गया, काफ़ी चीज़ें मैंने सीख रखी है। इसके अलावा पार्लर का कोर्स भी कर रखा है, चाहूँ तो मैं अपना पार्लर भी खोल सकती हूँ और बुटीक तो मैं खोल ही सकती हूँ क्योंकि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की है। इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी हो गई, पेंटिंग हो गया, कुल्टिंग हो गया, या कुशंस जो डिज़ाइनदार बनाते हैं कुल्टिंग वाले, वो तक मुझे बनाने आते हैं। तो मुझे काफ़ी चीज़ें आती हैं, मैं चाहूँ तो मैं अर्निंग कर सकती हूँ, लेकिन मैं जो हूँ मजबूर हूँ। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो मेरे मम्मी पापा दोनों बुजुर्ग थे, पापा की तो अब मेरी डेथ हो चुकी है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, उन्हें पैरालिसिस का अटैक भी पड़ा था, हार्ट प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो पहले मैं उनकी सेवा में लगी रही। जो मेरी सिस्टर है, आपको पता ही है, हम दो बहनें हैं, जो छोटी सिस्टर है वो डॉक्टर है, CMO है, और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मम्मी की सेवा कर सके। तो हम दोनों में से एक का तो फर्ज बनता ही था कि अपने माता पिता की सेवा करे, तो मैंने ही चुना कि मुझे ही अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए। पापा की तो अब डेथ हो चुकी है, जो अब मेरी मम्मी है वो काफ़ी बीमार है, जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ, लंग्स इन्फेक्शन है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, लगभग ऑलमोस्ट मम्मी के जो लंग्स हैं खराब हो चुके हैं और टोटली ऑक्सीजन पे हैं। तो मुझे अब अपनी माँ की भी केयर करनी है और कर रही हूँ, और मेरी जिम्मेदारी भी थी कि मैं अपनी माता पिता की सेवा करूं और क्या कहते हैं, अपना जो फर्ज है वो निभाऊं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है जॉब कर भी रखी है, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी थी कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ गई, और मैं एक तो मेरी बहुत जगह मतलब बहुत दूर नहीं आया था, इस वजह से मैं वहां नहीं जा पाई, क्योंकि अगर मैं चली जाती मेरी माँ को कौन देखता, और कोई था भी नहीं जो माँ की सेवा कर सके, इस वजह से फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मैंने CTET तक क्वालिफाई कर रखा है, UTET भी मेरा क्वालिफाई है। वैसे मैं क्या कहते हैं, अपने जो LT के और लेक्चर के फॉर्म आते रहते हैं भरती रहती हूँ, लेकिन पढ़ाई में कर नहीं पाती। फिर भी देखिए, दो मन होते हैं ना, कि कभी लगता है कि अरे मैंने इतना पढ़ा है तो मुझे जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए, फिर एक मन करता है कि अगर मैं निकल भी गई तो कर तो मैं जॉब पाऊंगी नहीं, लेकिन हर इंसान के दो मन होते हैं, तो मैं फॉर्म भर ही देती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे ट्राई तो कम से कम करना चाहिए, कब क्या पता क्या हो जाए, कुछ भाग्योदय हो जाए, कुछ पता नहीं होता। तो अब मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी माता पिता को कहते देखूं। चलो चाहे मैं जॉब नहीं कर सकती, फिर मैंने सोचा कि मैं घर बैठे भी तो कुछ कर सकती हूँ। तो मैं YouTube में ना वीडियो देखती रहती थी, तो उनसे मुझे बहुत से यूट्यूबर से बहुत इंस्पिरेशन सी मिली कि घर बैठे हम क्या कहते हैं ब्लॉग क्यों नहीं बना सकते, और मैं ब्लॉगर बन गई। और मेन चीज़ ये होती है कि हमें घर बैठे एक्टिव रहना है। खाली मैं झाड़ू पोछा बर्तन मैं सिमटी रहना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि क्या कहते हैं मैं भी कुछ अपना करियर बनाऊँ। और मेन जो बात होती है, आप कैसे भी हों क्या कहते हैं, आप घर बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अर्निंग भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं खाली घर का काम ही नहीं करूंगी, मैं घर बैठे ही अपना करियर भी बनाऊंगी। और अपने को मेन बात होती है इंगेज रखने की, इससे मैं इंगेज भी रहती हूँ। जो आजकल YouTube है बहुत अच्छा जरिया है अपने करियर बनाने का, अपने को इंगेज रखने का। तो मैंने YouTube को अपनाया, आज मेरा देखिए आप खुद देख रहे हैं, मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड सर्किल हो चुका है, बहुत अच्छे अच्छे मेरे दोस्त भी बने हैं जो मुझे, और काफ़ी चीज़ें कितनी चीज़ों की जानकारी मुझे YouTube से मिली है जो कि मुझे पहले नहीं थी। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं अपनी माँ की सेवा भी कर रही हूँ और अपना जो मेरा करियर है वो भी चल रहा है, और भगवान की दया रही और आप लोगों का मतलब साथ रहा, तो बहुत जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा और मैं घर बैठे अर्निंग भी करने लगूंगी। और इस बात की खुशी मेरी माँ को सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि मेरी मम्मी को लगता है कहीं ना कहीं जो इसका करियर थोड़ा डामाडोल हुआ उसमें मेरा हाथ है, मेरी वजह से ये
बाहर नहीं जा पाई। पहले मेरी नानी थी, तो नानी भी हमारे साथ ही रहती थी। नानी भी काफी बीमार रहती थी, उनको लंग्स इन्फेक्शन था, तो उनकी वजह से भी, मम्मी जॉब वाली थी, मेरी नानी को कौन देखेगा, इस वजह से भी मैं इधर उधर नहीं जाती थी। जब नानी की डेथ हुई उसके बाद ही मैं बीएड एमएड करने के लिए गई, वरना जब तक नानी थी मैं कहीं नहीं जाया करती थी। तो ऐसी मेरी माँ को भी लगता है कि इसने मेरी मेरी बेटी ने मेरी वजह से करियर का त्याग करा है या बलिदान दिया है, और ये घर में घर तक ही सिमट कर रह गई है। तो YouTube बहुत अच्छा जरिया है अपने को इंगेज रखने का, अपना करियर बनाने का। और मेरी माँ जैसे कहती रहती, तू डांस कर, तू सॉन्ग गा, तो मैं उनके कहने पे डांस करती हूँ, सॉन्ग गाती हूँ। और छोटी छोटी मतलब, और मेरे मैंने देखा मेरी मम्मी जो है मेरी छोटी छोटी खुशी खुशियों का ध्यान रखती। कभी कहती तू ये खरीद ले, तू वो खरीद ले, बहुत ध्यान देती हैं कि कैसे क्या करते मेरी लड़की खुश हो। बस यही बात मुझे आपसे करनी थी। कभी कभी होता है ना, आत्मचिंतन इंसान करता है, मनन करता है, बहुत से लोगों की बातें बड़ी अजीब सी लगती है, कभी फील होने लगता है कि ऐसा व्यक्ति ने हमसे क्यों कहा, वो जो बात है वो दिल को चुभ जाती है। तो आज मेरा मूड हुआ कि मैं अपने बारे में आपको बताऊं या अपनी बातें आपके सामने प्रेजेंट करूं। बस जिंदगी ऐसी चलती रहेगी और मेरे ब्लॉग भी ऐसे आते रहेंगे, और आप लोग भी मुझे ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। तो आपकी दीपिका कल फिर आएगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय। थैंक यू।